एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि नगर निगम चुनाव जोरों शोरों पे है, मतदान 27 को है पार्षद और मेयर पद को लेकर पंचकुला में, उसको लेकर ही जो 27 को मतदान है उसको लेकर चुनाव प्रचार जारी है। तो आज मैं पहुंची हूँ सेक्टर 20 में, वार्ड नंबर 15 में। आज मैं बात करूंगी गौतम जी से, जो कि सेक्टर 20 में वार्ड नंबर 15 में खड़े हैं उम्मीदवार पार्षद पद के लिए। तो चलिए बात करते हैं उनसे। तो आप अभी चुनावी मैदान में खड़े हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आपने सोचा कि मैं एक पार्षद पद के उम्मीदवार के तरह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, और मैदान में किस तरीके से उतरे हैं आप थोड़ा बताइए। मैदान में हम यही उतरे हैं जी, पब्लिक के जो है सेवा करने के लिए, और हमेशा करते आए हैं। हम 35 साल से आजाद कॉलोनी में जो है लोगों को सेवा करते रहे हैं। 2008 में लोगों ने पार्षद भी बनाया था मुझे वोट दे करके, और दोबारा फिर मैं चुनाव मैदान में हूँ। सभी लोग जो है उत्साहपूर्वक है, लोगों ने ही जन समर्थन दे करके हमें कह करके खड़ा करवाया है चुनाव में। और हम लोगों को जो है जो यहाँ डोल पेंट का काम है बहुत ही जो है कि पिछड़ गया है, लोगों को यहाँ सीवरेज की व्यवस्था ठीक नहीं है, सुचारू रूप से नहीं चलता, सीवरेज ओवरफ्लो होता रहता है, पार्कों के बुरा हाल है, असियाना के गली नाली जो भी जो है नगर परिषद के नगर निगम के जो है काम नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए कि इनका पार्षद जो है कि नहीं है। 7 साल से बीजेपी का सरकार है, बीजेपी सरकार कोई करने नहीं आ रहा है, कोई देखने नहीं आता। तो आप 2008 में भी कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से आप पार्षद रह चुके हैं, तो क्या उद्देश्य थे उस टाइम, आपने क्या कार्य करवाया था आपने? 2008 में हमने पार्षद रहा जी, उसके हमारा जो उद्देश्य था जितने भी हमने वादा किए थे कॉलोनियों में सारी के सारी पूरा किया था। आजाद कॉलोनी में 1200 लोग रहते थे हमारे, 1200 के 1200 BPL राशन कार्ड बनवाया। तो अभी विपक्षी पार्टी है यहाँ मैदान में खड़ी है, तो कितना आपको लग रहा है कि कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे चुनाव प्रचार और कुर्सी और सीट हासिल करने तक के सफर के लिए? कोई विपक्षी पार्टी उम्मीदवार जो मैदान में खड़े हैं हमारे किसी से टक्कर नहीं है जी, हमारा ना ही जो है कोई हमारा टक्कर में है, सबके सब जो है कि हमारे से पिछड़े हुए हैं, नए नए कैंडिडेट हैं, उनको कोई जानता नहीं पहचानता ही, ना ही कभी पब्लिक का सेवा किए हैं। हम 30-35 साल से सेवा करते आए हैं, 2000 आदमियों को सियाना फ्लैट दिलाए हैं आजाद कॉलोनी से उठा के झुग्गी झोपड़ियों से, और इनको मकान दिलवाए हैं, और इसके आपके लोग जो है मुझे जन समर्थन भारी मिला है, और हमें जो है 80-90% वोट जो है कि मिलेगा यहाँ से असियाना से एक मरला से, और कुंभी से भी मुझे 50% वोट मिलेगा। अगर आप ये वो इस बार का इलेक्शन जीत जाते हैं तो किन मुद्दों पे आप काम करने वाले हैं, कुछ 3 मुद्दे होंगे? मैं तो 3 मुद्दा बताया जी, सबसे पहले तो सीवरेज ओवरफ्लो होता है वो ठीक करवाऊंगा सुचारू रूप से, जो पार्क है यहाँ एक मरले में असियाना में, पार्कों के बाउंड्री वॉल करवा के एक्सरसाइज मशीने लगवाएंगे, झूले लगवाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ टाइलें कुछ लगवाने हैं, रास्ते बंद पड़े हैं, सियाना गेट एक बंद पड़ा है एक खुला हुआ है, उस गेट को चालू करवाएंगे, टाइलें लगा के रास्ता ठीक करवाएंगे, कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से वार्ड नंबर 15 से कांग्रेस उम्मीदवार गौतम प्रसाद जी ने अपने बातचीत में अपने विचार साझे किए और वो वार्ड के लिए क्या कुछ करेंगे, तब तक के लिए आप बने रहिए अर्थ प्रकाश टीवी पर। मैं शशि चौरसिया कैमरामैन। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।